स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो सुजुकी एक्सेस है उसके हैंडल की जो वाइब्रेशन है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। यूजुअली जो वाइब्रेशन है उसको चेक करने के लिए हमें स्टैंड पे खड़ा करके और जो फिर है इस टायर को पीछे की तरफ लगा के देखना होता है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें हल्का सा वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। ये और इसको आगे से चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है और ये जो ब्रेक है इसको दबा के गाड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे हिलाना होता है। ये देखिए इसकी जो जगह है वो आगे पीछे हो रही है, तो यहाँ पर इससे ये प्रूफ होता है कि हैंडल में जो स्पेस है वो बन गया है। और अब उस स्पेस को बंद करने के लिए ये जो पूरा पोर्शन है ये हमें खोलना होगा और यहाँ से इसके कुछ सिस्टम होता है उसको टाइट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये नंबर प्लेट और ये जो सारे नट है यहाँ से लेके यहाँ तक के चार, पहले ये चार नट हम यहाँ से खोल देते हैं स्टार पिचकस लगा के। और इसी तरीके से ये चारों भी हमें खोलना है। अरे क्यों, और इसके बाद में ये जो है नंबर प्लेट भाई एक मिनट आना। नहीं नहीं ठीक है, मैंने देखो कर और भी ऐसे कोई काम। तो ये प्लेट निकालने के बाद में बस इसको हल्का सा निकालना है और ये बाहर निकल जाएगी। इंडिकेटर के वायर रिसीवर होते हैं, अच्छा दो नट और नीचे के लगे हुए हैं तो वो भी हमें निकालने हैं। ये नीचे वाले जो स्क्रू हैं ये भी, और ये बाहर निकल गए। और इसके बाद में जो इंडिकेटर के वायर हैं वो सॉकेट निकाल देना है पहला, और दूसरा ब्लैक वाला, और फिर इसको थोड़ा संभाल के किसी सेफ जगह पर रखना है ताकि ये टूटे ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोन सेट दिया हुआ है इस कोन सेट को हमें सेट करना है क्योंकि इसी में हैंडल हिल रहा है। मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, ये हिल रहा है यहाँ से, ये आवाज़ आ रही होगी आपको। अब फिलहाल हमें कोन सेट इसको टाइट करना है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ये कौन सेट हमने थोड़ा सा टाइट किया है और ये ऊपर वाला लॉक है और ये बेसिकली एडजस्टमेंट वाला है, तो ये काम किया। अभी टाइट तो हुआ है, इसको एक बार चला के देख के आते हैं फिर बताएंगे कि इसमें आवाज़ आ रही है नहीं। तो सॉकेट लगा हुआ था जिससे कि इसके हैंडल में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। कुल मिला के हमने इसको कम्प्लीट कर लिया। अब आइए एक फाइनल टेस्ट राइड लेते हैं और चेक करते हैं कि अब दोबारा से इस हैंडल में आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो मैं साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस गाड़ी को चलाएं और मैं इसके पीछे बैठता हूं। चलिए सर, ऐसे घुमा के ले लो। तो सर हैंडल में कहीं कोई आवाज़ आपको महसूस हो रही क्या इसमें? नहीं मतलब, तो गाइस कहने का मतलब ये था कि जो इसमें जो आवाज़ आ रही थी पहले वो इसके जो कोन सेट था उसको कोन सेट के ढीले होने की वजह से आ रही थी,
जिससे कि इसमें एक प्ले आ गया था और उस प्ले के कारण से कुछ एडिशनल साउंड इसमें आ रहे थे। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको फिक्स किया। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.